दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोगों को मैं बताऊंगा कैसे आप बिना कॉपीराइट वाली इमेजेस को ले सकते हैं अमेज़न के ऑफिशियल वेबसाइट से, जो आपको कभी कॉपीराइट भी नहीं आएगा। ऐसा कौन सा तरीका है वो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, जिसका यूज़ करके आप अपनी वेबसाइट में अपलोड कर सकते हैं वो इमेजेस और या आप जिसे प्रमोट कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं, जो कि पार्ट 8 है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको अमेज़न की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है और आपको काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स भी मिल जाएंगे, जैसे कि आप यहां पर भी देख रहे हैं। तो सिंपल आपको जो भी आप आर्टिकल लिख रहे हैं या आपको कोई भी आर्टिकल के लिए इमेजेस चाहिए जो कि बिना कॉपीराइट वाली आपको चाहिए, तो वो कैसे फाइंड करेंगे? तो सिंपल आपने वो कीवर्ड सर्च करना है जो भी आप आर्टिकल जिसके ऊपर लिख रहे हैं। जैसे कि हम एग्जांपल के लिए हेडफोन्स लेते हैं और सर्च करते हैं, तो सर्च करने के बाद देखिए हमारे सामने काफ़ी सारे हेडफोन्स आ जाते हैं। और जैसा कि दोस्तों मैं आपको पिछली वीडियोस में भी बता चुका हूँ कि आप कैसे बेस्ट प्रोडक्ट को फाइंड कर सकते हैं, अगर वो वीडियो नहीं देखी तो आप वो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वो भी देख सकते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर जैसा कि हम एग्जाम्पल के लिए बात करते हैं कि कैसे हम इमेज लेंगे, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर मैं अभी कोई भी रैंडम प्रोडक्ट पर क्लिक करता हूँ, तो देखिए आपको काफ़ी सारी इमेजेस मिल जाती हैं। तो सिंपल देखिए आपको क्या करना है, इमेज सेव करने के लिए, जो कि सबको पता है, लेकिन यहाँ पर सब लोग गलती कर देंगे। अगर आप ऐसी गलती करेंगे तो आपको कॉपीराइट कभी भी भेज सकता है अमेज़न, वो गलती आपने बिल्कुल नहीं करनी है। सिंपल देखिए आप क्या करते हैं कि इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर राइट क्लिक करके सेव कर लेंगे इमेज। तो दोस्तों आपने सबसे पहले स्टेप में ये ही काम करना है, लेकिन इसके बाद जो अगला स्टेप होता है उसमें ही लोग गलती करते हैं, जो कि वो गलती है कि डायरेक्ट जाकर ऐसे ही एज इट इज़ उसको अपलोड कर देते हैं अपनी वेबसाइट पर जो भी बनाई है। क्योंकि दोस्तों अब आप यहां पर अपनी वेबसाइट पर अपलोड करते हैं तो इसका जो भी डाटा है, यानी कि जो भी रिकॉर्ड है, इसका सब गूगल के पास होता है, यानी कि अमेज़न के पास भी होगा इसका मतलब। और उसके बाद दोस्तों आपको कॉपीराइट क्लेम मिल जाता है। तो आपने कैसे बचना है देखिए मैं आपको एग्जांपल के लिए दिखाता हूँ गूगल में। तो दोस्तों सिंपल मैंने यहाँ पर जो यूआरएल था, यानी कि जो नेम था उसका, जो भी प्रोडक्ट था, यहाँ पर देखिए इसे मैंने सारा का सारा कॉपी किया और गूगल में सर्च किया। तो यहाँ पर काफ़ी लोग यूज़ कर रहे हैं, वो कैसे यूज़ कर रहे हैं वो भी मैं आपको अभी बताऊँगा। देखिए देखिए दोस्तों आपको यहाँ पर जो है ये आप देख रहे हैं प्रोडक्ट amazon.in का है, जो कि यहाँ पर ऑफिशियल है, जो कि जूम आउट है। और यहाँ पर देखिए ये जो है वही प्रोडक्ट है, वही इमेज है, सेम सेम, लेकिन दोस्तों यहाँ पर देखिए थोड़े से एडिट कर दिया गया है। यानी कि एडिट कैसा, इसे देखिए पहले तो रोटेट कर दिया गया है डबल साइड में, और उसके बाद दोस्तों हल्की पुल्की एडिटिंग कर दिया है, यानी कि दोस्तों यहाँ पर जो है ब्राइट कर दिया और यहाँ पर डार्क है थोड़ा, और यहाँ पर जूम आउट है तो यहाँ पर जूम इन कर दिया, यानी कि जूम पीछे की तरफ को। ऐसे करके दोस्तों हल्की पुल्की एडिटिंग से भी ये आप कर सकते हैं। थोड़ा बहुत आपने चेंज करना है उस इमेज में, जो भी आप वो इमेज को लेंगे। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं आपको क्या क्या चेंजेस करने हैं। जैसे आप ये सब कर लेते हैं अपने फोटोशॉप या कोई से भी एडिटिंग सॉफ्टवेयर से, तो उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए वो इमेज ऐसी होगी जो भी आप यहाँ पर डाउनलोड करेंगे अमेज़न की वेबसाइट से। तो उसके बाद दोस्तों आपने राइट क्लिक करना है, और राइट क्लिक करने के बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा प्रॉपर्टीज़ का, तो आपने प्रॉपर्टीज़ पर क्लिक कर देना है। अब देखिए दोस्तों आपके सामने ये प्रॉपर्टीज़ आ चुके हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो आपको ये यूआरएल नेम चेंज कर देना है, जो कि आप अपना नेम देंगे उस प्रोडक्ट का जो भी आप यहाँ पर अपनी वेबसाइट पर बताने वाले हैं, टॉप 5 या टॉप 10 या हेडफोन्स या इससे रिलेटेड दे सकते हैं, या हेडफोन्स के बाद अपनी वेबसाइट का नाम दे सकते हैं। जैसा कि मैं अपने नाम दे देता हूँ अभी, कोई एक्स्ट्रा जैसा भी है, अर्निंग बेस्ट वे टाइप में मैं अपने वेबसाइट का नाम दे देता हूँ, एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ दोस्तों, मेरी वेबसाइट नहीं है। उसके बाद दोस्तों xyz यहाँ पर जैसा लगा दिया, .com भी लगा सकते हैं। उसके बाद क्या करना है आपको, सिंपल डिटेल में चले जाना है, और डिटेल में जाने के बाद देखिए आपको जो है यहाँ पर सारी की सारी चेंजेस करनी होंगी। जैसा कि यहाँ पर अभी नेम चेंज नहीं हुआ है, तो यहाँ पर सिंपल कैसे चेंज होगा, जब आप इसे ओके कर देंगे तो ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों आपको क्या करना, हल्की पुल्की यहाँ पर भी एडिटिंग कर देनी है। जैसे कि आप यहाँ पर रेटिंग दे सकते हैं 5, उसके बाद आप टैग फिल कर सकते हैं, टाइटल दे सकते हैं, जो भी आपका यहाँ पर टाइटल होगा आपके टॉपिक का वो आप यहाँ पर देंगे। उसके बाद सब्जेक्ट, रेटिंग, कमेंट, यहाँ पर आप थोड़ी सी और जानकारी भर देंगे तो आपकी बिल्कुल ये एक बिना कॉपीराइट वाली इमेज बन जाएगी। अब जैसा कि मैंने सब कुछ आपको बता दिया इस वीडियो में कि कैसे आप बिना कॉपीराइट के यूज़ कर सकते हैं अमेज़न एफिलिएट प्रोडक्ट्स की, तो आप आसानी से उसे अपनी वेबसाइट के लिए यूज़ कर सकते हैं। सिंपल ये स्टेप्स को फॉलो कर, यानी कि ये आप जो
सबसे ऊपर मैंने आपको बताया ये सब फिल करके और ये वाला फिल करके तो वो आप यहाँ पर कॉपीराइट क्लेम वाला हटा सकते हैं झंझट, और आपको कॉपीराइट क्लेम भी नहीं आएगा। जैसे कि दोस्तों आपको ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बस ये इंपॉर्टेंट है कि आपने टाइटल, सब्जेक्ट, रेटिंग, टैग और कमेंट को छोड़कर सब कुछ भरना है, ये ऊपर के जो चार चीजें हैं। उसके बाद दोस्तों आपने ओके पर क्लिक करना है सिंपल, और ओके पर क्लिक कर आपकी ये यूज होने के लिए तैयार है अमेजोन एफिलिएट प्रोडक्ट की इमेज आपकी वेबसाइट पर। तो ऐसे कर दोस्तों आप अपनी वेबसाइट के लिए इमेज फाइंड कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर तरीका अच्छा लगा तो आप वीडियो को जरूर लाइक कर देना। अब नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को पता लगेगा कैसे आप लोग यहाँ पर क्रिएट करते हैं अपनी वेबसाइट जो कि बिल्कुल फ्री होने वाली है अमेजोन एफिलिएट की। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को भी करते हैं खत्म।